साथियों, देश के नागरिकों का जीवन आसान बनाना, ईज ऑफ लिविंग हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें बिजली की बहुत बड़ी भूमिका है। बिजली पढ़ने के लिए, बिजली घर के काम निपटाने के लिए, बिजली उद्योगों के लिए, और इतना ही नहीं, अब तो बिजली मोबाइल चार्ज करने के लिए, उसके बिना कोई रह ही नहीं सकता। आप जानते हैं हमारी सरकार का ईज ऑफ लिविंग मॉडल पर्यावरण के प्रति सचेत और पर्यावरण की रक्षा करने में भी मदद कर रहा है। आज यहां जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, वो भी क्लाइमेट फ्रेंडली न्यू इंडिया की तरफ देश का एक मजबूत कदम है। आज पूरा विश्व भारत की इस बात की प्रशंसा कर रहा है कि हमारा देश किस तरह पर्यावरण को बचाते हुए विकास को गति दे रहा है। सोलर पावर से लेकर हाइड्रो पावर तक, पवन ऊर्जा से लेकर ग्रीन हाइड्रोजन तक, हमारा देश रिन्यूएबल एनर्जी के हर संसाधन को पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए निरंतर काम कर रहा है। मकसद यही है कि देश के नागरिकों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के साथ पर्यावरण की भी रक्षा हो और भारत अपने लक्ष्यों को किस तरह प्राप्त कर रहा है, उसका एक उदाहरण देश की बढ़ती इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी भी है। साथियों, भारत ने 2016 में यह लक्ष्य रखा था कि वो साल 2030 तक अपनी इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी का 40% नॉन फॉसिल एनर्जी सोर्स से पूरा करेगा। आज हर भारतीय को इसका गर्व होगा कि भारत ने अपना ये लक्ष्य इस साल नवंबर में ही प्राप्त कर लिया है। यानी जो लक्ष्य 2030 का था, भारत ने वो 2021 में ही हासिल कर लिया। ये है आज भारत के काम करने की रफ्तार, हमारे काम करने की रफ्तार।